वेलकम टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश टॉप स्टाइल ब्लाउज लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सेंटर में बो लगाया है, फ्रंट में हुकाई करी है और नीचे कुछ इस तरीके की अम्ब्रेला डाली है। सो ये कितना स्टाइलिश और कितना प्रिटी लग रहा है। इसके साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं और कैजुअली आप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बेसिक टिप्स भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज है जो कि काफ़ी लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट थी इसकी वीडियो की, सो मैं लेके आई हूँ। इसमें नीचे हमने अम्ब्रेला रफल डाली है, आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट्स भी डाल सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का सिंपल सा ये ब्लाउज है, शॉर्ट स्लीव्स बनाई है और आप देख सकते हैं ये बैक में मैंने प्लेन ही लिया है। आप चाहें तो बैक हुक भी दे सकते हैं बट हमने फ्रंट हुक इसलिए इसमें दिया है क्योंकि जब हम इसको वेयर करते हैं, आप देख सकते हैं कि जब साड़ी के साथ वेयर करते हैं तो इस पल्लू कुछ इस तरीके का जाता है तो हमें इसे सेंटर कट देना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमने इसमें सेंटर कट दिया है। सो गाइस आपको बता दूँ ये हमारा साड़ी का कपड़ा है जो आज हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। लगभग ये 1.25 मीटर का कपड़ा है। सो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग को डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। हम आगे और पीछे का पार्ट दोनों एक तरीके से ही कट करेंगे। मैं आपके साथ बहुत कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूंगी, सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। लेंथ में हम 1 इंच प्लस करेंगे, ब्रेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जितना भी आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं शोल्डर में हमेशा +1 करती हूँ क्योंकि मैं मेरी सिलाई में हमेशा मार्जिन लेके ही चलती हूँ। आप चाहे तो 1 ऐड नहीं करें, आप डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है, बट आप 1/2 इंच का मार्जिन तो लेके ही चलें। देन आर्म होल हम 6.5 पे लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम कट कर देंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारी इजी वे में बहुत सारी चीज़ें समझा सकूं और बता सकूं। सो इस तरीके से हमारे ये दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं अस्तर पर। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। सिंपल हमें बॉटनेक में ये बनाना है। जब भी मैं अगर बॉटनेक कट करती हूँ 32 से लेकर 38 तक मेरा नेक का मेजरमेंट लगभग यही रहता है। बहुत ही सिंपल वे में हमें बॉटनेक की कटिंग करना है, ठीक है। ये हमने सिंपल वे में कट करा है। अभी हम इसमें कुछ भी आगे आई हुक नहीं करेंगे जब तक हम इस गले को ऊपर और नीचे से अल्टर नहीं कर लेते। सो अब हम इस पर टक्स की मार्किंग करेंगे। हम इसमें प्रिंसेस टक्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने चौड़ाई ली है 3.5। आप 3.5 से लेकर 3.8 तक भी ले सकते हैं। देन ब्रेस्ट पॉइंट लगाया, मैंने ब्रेस्ट पॉइंट लगाया 10 इंच पर। सो इस तरीके से हम 1/2 इंच दोनों तरफ से रखेंगे और इसे अपने सेंटर से आर्म होल पर मिला देंगे। मैं विदाउट कटिंग वाला बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे कटिंग वाला भी बना सकते हैं। नीचे से हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच की मार्किंग पे लिया है। आप चाहें तो ये 1 इंच भी ले सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसे फिक्स कर लेंगे। अब हम बैक साइड का पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक साइड आप देख सकते हैं हमारा प्लेन बना रहे हम क्योंकि इसका लुक कुछ रेडीमेड जैसा आएगा तो अच्छा लगेगा। सो हम इसे प्लेन रखा है ताकि आप इसे कैजुअली टॉप जीन्स पे भी वेयर कर सकें। सिंपल वही नेक की कटिंग करिए। अगर आप इस पे पीछे कोई शेप देना चाहते हो तो आप इस तरीके से कट कीजिएगा। 1 इंच का मार्किंग लेके एक बॉक्स बना लीजिएगा 3 इंच पर। आप नीचे से जो चाहे आपको जितना स्पेस रखना है आप रख सकते हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से नेक की कटिंग बता रखी है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो बैक हुक भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सिंपल कटिंग कर देंगे। गाइज आप और भी ऐसे डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे वीडियोज़ वगैरह भेज कर वीडियोज़ वगैरह मांगते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। सब इस तरीके से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुर्ती हो, ब्लाउज़ हो या गाउन हो, आपको आगे के पार्ट में 1 इंच पर छटिंग करनी है। इस तरीके से शोल्डर छटिंग करने के बाद आप आगे पार्ट में भी छटिंग कीजिएगा जिससे हमारे पार्ट में सल नहीं आते हैं। सो ये हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब इसे हम मेन कपड़े पर कट करेंगे। हमने फ्रंट पार्ट निकाल लिया। बैक में हमेशा ध्यान रखें कि कुछ कपड़े को आप इस तरीके से रखें, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से आप रखेंगे तो हमारा जो नेक का पार्ट है आप उसमें से बहुत कुछ डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा बचा सकते हैं। सो हमें जब भी मटेरियल कुछ यूज़ कर रहे हैं या कपड़े को कम से कम यूज़ करना है जिससे हम अधिक से अधिक कुछ नई क्रिएटिविटी और अच्छी से डिज़ाइन डाल सकें। सो आप देख सकते हैं अब हमें नेक को और अपने नीचे के पार्ट को अल्टर करना है। सबसे पहले हम अपने को कपड़े को देख लें कि प्रॉपर तरीके से आइनिंग होना चाहिए क्योंकि यदि आप बिना आइनिंग वाला कपड़ा लेते हैं तो आपके ब्लाउज़ में, आपकी ड्रेस में गेटअप नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आपका ब्लाउज़ प्रेस होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम बैक पार्ट पे टक्स की मार्किंग करेंगे।
चौड़ाई हमने ली है 4 इंच, लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेन है तो हम इसमें 5 इंच की लंबाई लेंगे। सो हमारा बैक पार्ट हमने डन कर लिया, फ्रंट पार्ट पे भी हम इसी तरह ऊपर नेक और नीचे बॉटम पर अल्टर करेंगे। आप बहुत फिनिशिंग से कीजिएगा, क्योंकि फिनिशिंग से सिला हुआ ब्लाउज का गेटअप बहुत अलग आता है। सो इस तरीके से हमने दोनों पे इस पे सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पे दोनों पे। अब इसमें हम बारीक बारीक कट करेंगे और कट करने के बाद इसे हम अल्टर करेंगे। सो आप ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से आधा इंच पे मैंने सिलाई ली है और इसमें हम कटिंग कर देंगे। देन कटिंग करने के बाद जो हमारा पार्ट अंदर जाता है अस्तर, उस पर हम इस तरीके से टाइट इस पर सिलाई लगा देंगे, या आप चाहे तो इस पर प्रेस सिलाई भी लगा सकते हैं। सो अब एक बेसिक टिप शेयर करूँगी गाइज, अगर आप नई कैची या कुछ कैची पर्पस से बात कर रहे थे मुझसे बहुत से लोग, तो आप इस टाइप की ब्लैक कलर की कैची जिसे ग्रीन एप्पल कहते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। देन मैं चिपकाने के लिए इस तरीके के फेविकोल कोन यूज़ करती हूँ, जिसे मैंने नॉर्मल में जो फेविकोल का कोन डिब्बा आता है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इस तरीके के कोन बना लीजिए गाइस। ये आपको चिपकाने में बहुत इजी गोइंग रहेंगे, आपको 5 का टाका भी नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ईजीली आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे हमने अल्टर कर लिया और कुछ इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे और बहुत ईजीली ये हमारा चिपक जाता है। देन हम आगे के पार्ट में हुकाई के लिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे, आपकी इच्छा अनुसार आप बैक हुक भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से हम ऊपर के पार्ट में बो लगाना है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा तिरछा कट करा है। आप चाहे तो इसे मतलब आपके अकॉर्डिंग है, आप नहीं चाहे तो आप ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, स्ट्रेट भी आप कटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें इसे फोल्ड करना है हुक पट्टी से, हमें ऊपर डिज़ाइन डालना है इसलिए हम कंटिन्यू इसमें आई पट्टी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हुक पट्टी से इसे अल्टर कर लेंगे दोनों तरफ से। बहुत फिनिशिंग से करिएगा, आप देख सकते हैं ये हमने 5 के टाके पे स्टिच करा है, क्योंकि यहाँ पर हम थुरपई करेंगे। और जब भी आप आई पट्टी लगा हुक पट्टी लगाए तो उस पर एक जमाव सिलाई लगाए, जमाव सिलाई लगाने से हमारा कपड़ा अंदर बहुत प्रॉपर फोल्ड होता है। सो आप ये बेसिक टिप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा गाइस। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से हमारे दोनों पार्ट आइनिंग होकर सेट हो गए। अब हमें आई पट्टी लगानी है, तो आई पट्टी में हमें ध्यान रखना है कि हमें गले की मार्किंग करना है कि हमें आई पट्टी कहाँ से लगानी है। सो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है और अब आई पट्टी हम बनाएंगे। सो इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, लगभग ये 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए और लेंथ में आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो ऊपर से हमारे ऑलरेडी फ्रेश कपड़ा है, मोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे। सो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख कर इसे हम फोल्ड कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि सिलाई आप हमेशा फिनिशिंग से कीजिएगा और बहुत आराम से कीजिएगा, ताकि आपका ब्लाउज़ का लुक बहुत अच्छे तरीके से आए, और आइनिंग करके कीजिएगा। सो इस तरीके से अब हम इसे अटैच करेंगे। सो ये आई पट्टी भी हमारी डन हो गई है, अब ऊपर हमें इसके लिए बो लगानी है। सो हम बो और आई पट्टी को एक साथ अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं 6 इंच की लंबी हमने पट्टी ली है, देन इस पर हम दोनों तरफ स्टिचिंग करेंगे। हम इसलिए इसमें दोनों पट्टी, आई पट्टी और वो एक साथ इसलिए अटैच करेंगे ताकि हमारी दो दो सिलाई ना दिखे, हमें बहुत फिनिशिंग से बनाना है इस ब्लाउज़ को। सो हमारी ये अटैच हो चुकी है, अब देन हम सेकंड पार्ट को भी इस पर ओवरलैप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो वो नहीं भी डाल के कंटिन्यू आई पट्टी भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से देन आप देख सकते हैं कि मैंने टक्स ले लिया है, प्रिंसेस टक्स, और आई पट्टी हुक पट्टी दोनों अटैच कर ली और फ्रंट पार्ट हमारा डन हो चुका है। देन अब इस पर हम इसी तरीके से बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं बैक में भी हमने टक्स ले लिया है, अब इसे शोल्डर अटैच कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग से। सो ये हमारा डन हो चुका है, अब हम इसके लिए स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स आप हमने सिंपल स्लीव्स बनाई है, क्योंकि हमें इस ब्लाउज़ में से अम्ब्रेला निकालना है नीचे वेस्ट के लिए। सो हम सिंपल ही ब्लाउज़ बनाएंगे, सिंपल ही स्लीव्स बनाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से गुम सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ डन हो गया है, और सेंटर से मैंने इसके 5 का टाका लगाकर अटैच करा है। क्यों गाइस? क्योंकि मैं जब भी फिटिंग लगाती हूँ, इस तरीके से फिटिंग लगाओगे आप तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम सेंटर में मार्किंग कर लेंगे, पूरा सेंटर एक ड्रॉ कर लेंगे। देन आप हमारी वेस्ट जितनी भी उसका हम हाफ लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे वेस्ट का। देन हमारा 14 आया, तो सेंटर पे 7 रख के हाफ इधर और हाफ इधर मार्किंग करेंगे। इससे आपके कपड़े में आगे के पार्ट में पीछे के पार्ट में कोई भी झोल नहीं आता है, नहीं ऐसा होता है कि दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट बड़ा निकलता है। आप देख सकते हैं लेवल कितना प्रॉपर आ रहा है, ये विदाउट पैडेड है, आप चाहे तो इसे पैडेड भी बना सकते हैं गाइस।
सो प्लीज़ अगर आपको मेरे डिज़ाइंस और इजी ट्रिक्स पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपडेट के लिए आप मुझे यूट्यूब पे फोटोज़ वीडियोज़ भेजिए, मैं आपके श्योर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगी। सो आप ये देख सकते हैं कि हमने फिटिंग लगा ली है और इस तरीके से हम इसे कंप्लीट हो चुका है बेसिक ब्लाउज़। अगर आपको रफल नहीं लगानी तो आपका बेसिक बॉटनेक ब्लाउज सिंपल वे में रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से हमने खोल लिया और आप देख सकते हैं कितना सिंपल वे में हमने ये डन कर लिया है। अब हमें इसमें नीचे रफ़र लगानी है, तो आप ध्यान रहे अम्ब्रेला हम दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों ट्रिक बहुत ही ईजी है। सो आपको मैं बताती हूँ, फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप अपने पार्ट को फोर फोल्ड करके, ब्लाउज़ को फोर फोल्ड करके इसे यहाँ पर अटैच कर लीजिए, ठीक है। और देन आपको जितनी भी लंबी इसमें अम्ब्रेला लेनी है आप चाहे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। सो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप यदि आप फुल वेस्ट ले रहे हैं, आपकी वेस्ट 28 तो आपको डिवाइडेड बाय 8 करना है, और अगर आप हाफ वेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो 3.5 आएगा। दोनों कंडीशन में आएगा सेम ही, बट आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपको किस हिसाब से मार्किंग करनी है। सो हमने डिवाइडेड बाय 4 करा है अपने आगे की वेस्ट को नाप कर, और अब हम यहाँ से 8 इंच के अम्ब्रेला ले रहे हैं। ईजिली हमारी 8 इंच की अम्ब्रेला निकल रही है। देखिए जितनी लंबी होगी उतना वो अच्छा लगेगा, बट 8 इंच 9 इंच सफिशियंट है, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, और प्लीज़ वहाँ पर भी जल्दी जल्दी और मुझे सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरी यूट्यूब पे भी 10K कंप्लीट कर दीजिए, और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आप मुझे फ़ोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, मेक श्योर मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करूँगी। थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने में, बट डेफिनेटली मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगी। सो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये कहीं कम तो नहीं पड़ रही, अगर कम पड़े तो आप आधा इंच या थोड़ा सा और कट कर सकते हैं। सो हमारा आप देख सकते हैं कंफर्टेबल है पूरा, और यहाँ पर हम सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि हमें आगे के पार्ट में ओपन रखना है इसे, जिस तरीके से हमारा पल्लू डेफिनेटली बहुत इजीली चले जाएगा। सो हमने अम्ब्रेला को नीचे फोल्ड कर लिया है, आप चाहे तो इस पर पीकू भी कर सकते हैं। देन इसे अटैच करना तो बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं कि हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब अटैचिंग के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो नीचे का पार्ट है इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये एडिशनल है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं और आप चाहे तो इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो आप बताइए आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है, और गाइस आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और मैंने जिस नेकलेस के साथ पहना है तो इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। सो वियरिंग में भी आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग होना पड़ेगा, तो आपका ड्रेसअप एकदम खुल के आएगा और एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। सो आपको अगर मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।